वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम HTML में फॉर्म बनाना सीखेंगे। ये फॉर्म कौन सा होगा? ये वही फॉर्म होगा जो हम कभी कभार ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं। तो आज हम इसी फॉर्म को देखने वाले हैं कि इस फॉर्म को बनाया कैसे जाता है। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, कंट्रोल N के साथ न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल S से फाइल को सेव कर रहा हूँ और फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ index.html। इंटर किया और मेरी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है। इसके बाद HTML का बेसिक कोड लिखने के लिए शिफ्ट 1 के साथ हम एमिट एब्रिविएशन कोड लेके आते हैं। शिफ्ट 1 मैंने प्रेस किया और इंटर किया तो मेरे पास HTML की बेसिक बॉयलर प्लेट आ गई है। टाइटल में मैं अभी के लिए फॉर्म लिख देता हूँ और बॉडी में हम अब फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। कंट्रोल एस से फाइल सेव करते रहें ताकि चेंजिंग जो हों वो हमें ब्राउजर में नजर आती रहे। गो लाइव कर लेता हूँ ताकि हमें लाइव सर्वर पे आउटपुट नजर आए। ब्राउजर में हमें टाइटल में जो कुछ हमने लिखा फॉर्म हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम प्रॉपर एक फॉर्म बनाने का आगाज करते हैं। एक हेडिंग टैग ले लेते हैं H1, इसमें लिख देते हैं फॉर्म। सेव करता हूँ, आउटपुट में देखता हूँ तो फॉर्म मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट टैग हम देखते हैं फॉर्म टैग, आप लिखें फॉर्म और इंटर कर दें। फॉर्म में आपको एक्शन नजर आएगा। इस एक्शन का अभी फ्रंट एंड में या बिगनर लेवल पे काम कोई नहीं है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूं ताकि चीजें सिंपल रहें और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाए। फॉर्म के बाद हमारे पास नेक्स्ट टैग होता है लेबल टैग। लेबल में इस 4 का काम नहीं है अभी बिगनर लेवल पे, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेबल में लिखते हैं इंटर योर नेम। कंट्रोल से फाइल सेव करता हूँ, ब्राउजर में आउटपुट देखते हैं तो हमें यहाँ पे आउटपुट कुछ यूं नजर आ रहा है। नेक्स्ट टैग है इनपुट। इनपुट लिखेंगे और इंटर करेंगे आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने के बाद फाइल सेव की, आउटपुट देखा, फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नेम या जो भी आप लिखना चाहें सब कुछ लिख सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में भी हम लिख देते हैं इंटर योर नेम। सेव करता हूँ, जो चीज़ हम प्लेस होल्डर में लिखेंगे वो आपको इस बॉक्स के अंदर नजर आएंगी, इंटर योर नेम। ये कहाँ पे लिखा है? ये प्लेस होल्डर में लिखा है। लाइक मैं नेम के बाद डॉट डॉट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये देखें आप डॉट आ गए, और जो कुछ हमने लेबल में लिखा है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद br टैग लगा देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक होती रहे। अगेन लेबल टैग लेते हैं, लेबल में लिखता हूँ इंटर योर रोल नंबर। नेक्स्ट टैग होगा इनपुट। इनपुट टाइप की होगी नंबर। नंबर सेव करें, आउटपुट देखें तो आपको यहाँ पे दूसरी इनपुट नजर आ रही है जिसमें इस रोल नंबर लिख सकते हैं। इसमें आप सिर्फ न्यूमेरिक केस ही लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकली कुछ नहीं लिख सकेंगे। मैं ये की प्रेस कर रहा हूँ ABC, बट कुछ नहीं लिख पा रहा। इसमें भी आप प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर इसमें आप लिख दें इंटर योर रोल नंबर। सेव किया तो जो कुछ हमने लिखा प्लेस होल्डर में वो हमें इन बॉक्सेस के अंदर नजर आ रहा है। नेक्स्ट मैं br टैग लगा देता हूँ दो बार। इसके बाद नेक्स्ट टैग देखते हैं लेबल। लेबल में मैं लिख देता हूँ इंटर योर ईमेल। इनपुट टाइप इसकी होगी ईमेल, और इसमें भी प्लेस होल्डर अभी मैं लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इंटर योर ईमेल। सेव किया तो ये आपको ईमेल के लिए बॉक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट टैग है हमारा लेबल, और इसमें हम लिख देते हैं इंटर योर एड्रेस। इसमें भी हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज करेंगे। प्लेस होल्डर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर योर एड्रेस।
सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एड्रेस के लिए इनपुट। नेक्स्ट टैग देखते हैं, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ H5, सेलेक्ट योर GNDER जेंडर। लेबल लेंगे, लेबल में पहले लेबल में हम लिख देंगे MALE male, सेकंड में होगा हमारे पास इनपुट टाइप, इसकी होगी रेडियो। सेव करता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ अभी आपको। तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी सिलेक्ट करने वाली। अभी हमने मेल लिखा है और अब हम बनाते हैं फीमेल के लिए। इसी को कॉपी पेस्ट कर लें आप लेबल को और मेल की जगह पे फीमेल कर दें, टाइप रेडियो रहेंगे। अब इसमें एक समझने वाली बात है, जब इसको सिलेक्ट करेंगे मेल को और फीमेल को, आपने देखा कि दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। अब ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है, जहां पे आपने इनपुट टाइप रेडियो लगाया यहां पे आप नेम नाम का एक एट्रीब्यूट लिखें और इसमें आप लिख दें GANDER जेंडर। इसी को करें कॉपी और नीचे वाले रेडियो बॉक्स में भी ऐड कर दें। अब अगर मेल को सिलेक्ट करूंगा तो मेल सिलेक्ट होगा, फीमेल को करूंगा तो फीमेल सिलेक्ट होगा। मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब आपने देखा कि एक ही सिलेक्ट हो रहा है, या तो मेल होगा और या फीमेल। नेक्स्ट टैग है, हम लेते हैं लेबल, लेबल में लिख देते हैं व्हाट इज योर प्राइसिंग रेंज। इनपुट होगा, इनपुट टाइप इसमें होगी रेंज। सेव किया, रेंज हमें ये वाली ऑप्शन देगा। नेक्स्ट टैग होगा हमारा लेबल, लेबल में हम लिख देते हैं इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। इनपुट टाइप इसकी होगी डेट। सेव किया तो ये आपको कैलेंडर प्रोवाइड करेगा, जहाँ से आप कोई भी डेट, डेट ऑफ बर्थ है या एग्जाम की डेट है या पेपर की डेट है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग हम अगेन लेबल लेते हैं, इसमें लिखता हूँ व्हाट इज योर स्कूल टाइम। नेक्स्ट टैग हमारा अगेन इनपुट होगा, टाइप इसकी होगी टाइम। सेव किया तो ये आपने देखा हमें टाइम स्लॉट प्रोवाइड करेगा, जिससे हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके ऑफिस का टाइम या आपके स्कूल का टाइम कितने बजे है, AM PM जो भी है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम H5 टैग लेते हैं, इसमें लिख देता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। हेडिंग के बाद मैं लेता हूँ लेबल, लेबल में मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। इसके बाद होगा इनपुट, इनपुट के टाइप यहाँ पे होगी चेकबॉक्स। अगेन इसी को कॉपी पेस्ट करें आप लेबल को और इनपुट को, नीचे पेस्ट करते हैं, इंग्लिश की जगह आप उर्दू कर दें, अगेन कॉपी पेस्ट कर लें और इस इंग्लिश की जगह आप मैथ कर दें। सेव किया, आउटपुट कुछ हमें यहाँ पे यूं नजर आएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं। H5 टैग लेता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट टैग होगा हमारा सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट लिखें। सिलेक्ट में आईडी का और नेम का अभी के लिए बिगनर लेवल पे कोई काम नहीं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। सिलेक्ट के बाद हमारे पास होता है ऑप्शन, ऑप्शन में वैल्यू का काम अभी के लिए नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दें ताकि चीजें सिंपल रहें। इसमें आप लिख लें सिटी के नेम, लिख लें लाइक लाहौर, सेकंड में आप लिख लें साहिवाल, थर्ड में लिख लें इस्लामाबाद, नेक्स्ट में आप लिख लें मुल्तान। सेव किया तो ये हमें इस तरह की ऑप्शन प्रोवाइड करेगा चेकबॉक्स, आपने अक्सर फॉर्म्स में
ऐसे ऑप्शन जरूर देखे होंगे। br टैग लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट टैग हमें नेक्स्ट लाइन में नजर आए। नेक्स्ट टैग हम अगेन लेबल लेते हैं, लेबल में लिख देता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट कलर। इसके बाद होगा इनपुट टाइप, इसकी होगी कलर। सेव किया, आउटपुट देखा तो आपको ये कलर सिलेक्शन की ऑप्शन देगा, आप यहां से कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग होगा हमारा लेबल अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। इनपुट टाइप इस पे टाइप यहां पे हम लगाएंगे फाइल। सेव किया तो ये हमें चूज फाइल करने की ऑप्शन देता है, आप इसको क्लिक करें चूज फाइल को, आप देखेंगे आपको आपके सिस्टम में ले जाएगा, यहाँ से आप कोई भी अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टैग हमारा होगा इनपुट टाइप, हम करेंगे सबमिट। वैल्यू में भी हम फॉर्म सबमिट लिख देते हैं या जो भी आप बटन में लिखना चाहें, फॉर्म सबमिट आप लिख सकते हैं। सेव किया तो हमें यहाँ पे फॉर्म सबमिट नाम का एक बटन मिल गया, मतलब कि आपने फॉर्म फिल किया उसके बाद आपने फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो बटन कैसे बनता है, इनपुट टाइप आप लिखेंगे सबमिट और वैल्यू में जो भी बटन का नाम आप देना चाहेंगे वो आप वैल्यू लिखेंगे। आपने देखा कि किस तरह से हम कितनी आसानी से अपना ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जब हम CSS करेंगे तो मजीद ब्यूटीफाई करके देखेंगे इसको हम किस तरह ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।